लेकर के आता है समाधान, ये समाधान लेकर के आता है। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, मोदी जी ने उसका खात्मा करके समाधान दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने उसका समाधान किया। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार दिया, मोदी जी ने विकास के बड़े बड़े हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रैपिड रेल, एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज देकर के युवाओं और नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। कांग्रेस ने गरीबों के हकों पर डकैती डाली, तो भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 9 वर्ष में जो काम कांग्रेस 55-60 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने वह कार्य 9 वर्ष में करके दिखाया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बन गए, 9 करोड़ 60 लाख गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन मिल गए, और भाइयों बहनों, 4 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिला दिए। 50 करोड़ लोगों को पूरे देश में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी प्रतिवर्ष की मिल गई। 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल गया। भैया बहनों, संकट के समय जो साथी है वही सच्चा साथी है। याद करिए, कोरोना आया था, कांग्रेस के नेता पिकनिक मना रहे थे, कोई इंग्लैंड में था, कोई इटली में था, कोई जयपुर में था, मोदी जी और भाजपा के कार्यकर्ता ही आपके बीच में आकर के सेवा का काम कर रहे थे। फ्री में वैक्सीन आज का समाचार में पढ़ रहा था, इंग्लैंड में यानी अमेरिका में, चीन में फिर से कोरोना की कहर तेजी के साथ फैल रही है, लेकिन भारत सुरक्षित है क्योंकि मोदी जी ने 2 वैक्सीन दे दी। फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट, और 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से फ्री में राशन, अग्रिल 5 वर्ष तक राशन फ्री में मिलेगा। भाइयों बहनों, सरकार जब संवेदनशील होती है तो गरीबों के हितों के लिए कार्य करती है, और यही मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने सुरक्षा भी दी, सम्मान भी दिया, विकास भी कराया, भ्रष्टाचार पर प्रहार भी किया, और कांग्रेस की सरकार के समय तो रामनवमी के जुलूस पे बैन लगते हैं, बैन, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते। भाइयों बहनों, आप याद करिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, यहां संबोधन राम राम का होता है, जन्म लेते हैं राम राम, दिनचर्या प्रारंभ करते हैं राम राम, और अंतिम यात्रा भी चलती है तो राम नाम कहकर के ही अंतिम यात्रा भी निकलती है, राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं। लेकिन रामनवमी के जुलूस पे यहां बैन लगाया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, और भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पे बैन लगाती है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है। भाइयों बहनों, 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार में माफिया पनपा है, यहां पे खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया, और न जाने कौन कौन नए माफिया हैं, और इन्हीं माफियाओं के लिए यूपी में बुलडोजर आया है। बुलडोजर की ताकत देखी है ना, और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर कैसे चलता है, कैसा लगता है आप लोगों को जब माफिया बुलडोजर चलता है? राजस्थान में भी ऐसे चाहिए, डबल इंजन की सरकार लाइए, डबल इंजन की सरकार।
भाइयों बहनों याद रखना, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में होती तो कन्हैया लाल मीना की निर्मम और बर्बर हत्या नहीं होती। यहां की बेटियों के जो कहर बरपाया जा रहा है ये नहीं होता, जो यहां पे गौ तस्करी और गौ तस्करी की घटनाएं हो रही है ये नहीं होता। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं आज कि भाइयों बहनों, सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए केवल एक ही विकल्प है और वह भारतीय जनता पार्टी है। एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, याद करिए लोग क्या सोचते होंगे कि गिरिराज जी महाराज की कृपा जिस क्षेत्र में रही हो और बाबा भर्तृहरि का आशीर्वाद जिस क्षेत्र में रहा हो वहां पे कोई राम भक्त और गिरिराज महाराज का कोई भक्त ही तो कोई विधायक भी बनना चाहिए, होना चाहिए ना। आपने सांसद पिछली बार बाबा बालकनाथ जी को बनाया, वह बराबर आपके बीच में आते हैं, कार्य करते हैं, यहाँ की आवाज को उठाते हैं, लगातार आपके हितों के लिए कार्य करते हैं। और मैं इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए भाइयों बहनों, अलवर में हर जगह कमल खिला दीजिए और विकास की गारंटी बीजेपी लेगी, सुरक्षा की गारंटी बीजेपी लेगी। लोग पहले कहते थे कि बीजेपी के लोग केवल राम का नाम भुना रहे हैं। हमने कहा राम का नाम भुना नहीं रहे हैं, राम तो हमारी आस्था की प्रतीक हैं। और तब हम लोग जब बोलते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस के लोग हंसते थे, अरे कैसे होगा। तो हमने कहा